यूक्रेन के एक और शहर पर रूस का कब्जा। सोलेदार में भीषण जंग के बावजूद डटा यूक्रेन। सोलेदार पर यूक्रेन छिपा रहा सच। या सोलेदार को लेकर रूस बोल रहा झूठ। रूस और यूक्रेन युद्ध में भले ही रूस यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा ना कर पाया हो, PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन उसका एक एक कर उसके कई हिस्सों पर अपना कब्जा करना जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त यूक्रेन में सबसे भीषण लड़ाई सोलेदार में लड़ी जा रही है। रूस ने बाखमुत रीजन के सोलेदार शहर पर कब्जे का दावा किया। वहां जंग और ज्यादा भयानक हो गई। रूसी कब्जे से सोलेदार को आजाद करने के लिए यूक्रेन ने सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत कर दी, जिसके तहत यूक्रेनी सेना की अलग अलग टुकड़ियां सोलेदार पहुंच गईं और वहां मौजूद पुतिन की प्राइवेट आर्मी यानी वैगनर ग्रुप पर धावा बोल दिया। यूक्रेनी सैनिकों ने वैगनर ग्रुप के एक अड्डे को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे घबराए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन यूक्रेन के जवान पीछे नहीं हटे और आर्टिलरी धमाका कर वैगनर ग्रुप के अड्डे को उड़ा दिया। यूक्रेन की सेना ने वैगनर ग्रुप की नाक में दम करते हुए रूसी सेना के एक हथियार डिपो को भी उड़ा दिया। चारों तरफ तबाह हुए मकानों से घिरे इस हथियार डिपो पर तोप से हमला किया गया, जिसके बाद डिपो में आग लग गई और उसमें रखे हथियार धमाकों के साथ तबाह हो गए। हालांकि रूस ने दावा किया कि उसने सोलेदार में यूक्रेन के लगभग 500 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि वो इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि सोलेदार रूस के हाथों में है। यही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने भी माना कि सोलेदार पर पूरी तरह रूस का कब्जा नहीं हुआ और उनकी सेना अभी भी वहां रूस को तगड़ी चुनौती दे रही है। А особливо сьогодні відзначу десантників 77-ї окремої аеромобільної бригади, які разом з бійцями 46-ї окремої аеромобільної бригади в Солидарі отримують займані позиції і завдають ворогу відчутних втрат. Провів сьогодні чергове засідання ставки, засідання, яке за своїм характером відповідало ситуації на передовій, на найбільш принципових напрямках. Звичайно, питання номер один – це Солидар, це Бахмут, це боротьба загалом за Донецький напрямок. Детально розібрали, які рішення потрібні, які підкріплення потрібні, які кроки мають бути зроблені командувачами вже найближчими днями. Також обговорили ситуацію з постачанням зброї та боєприпасів у війська, відповідно взаємодію з нашими партнерами. PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।